Hello and welcome to the class English. Today we are going to discuss about our poem that is Amanda. And this poem is taken from your class 10 first flight book. और ये poem जो है इसके poet है Robin Klein. और ये जो poet है Robin Klein ये mostly बच्चों के ऊपर अपनी जो है लिखा करते हैं. ठीक है, और ये जो Amanda है ये भी एक बच्ची है, girl है. ठीक है, जिसके ऊपर Robin Klein ने अपनी poem लिखी है. तो बेसिकली इस पोयम में मैसेज क्या है कि सोशल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है हमारी सोसाइटी में. वो कैसे आप सब पे रिलेट कर पाओगे, स्पेशली जो गर्ल्स होती है उनको बोला जाता है कि आप ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, आप ये मत खाओ, वो मत खाओ. ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर जो है मदर जो है वो बार बार टोकती रहती है. तो ये पोयम भी जो है वो इसी के ऊपर है कि क्यों जो है सोशल कंडक्ट को जो है फॉलो किया जाता है. सो लेट्स रीड. और हमेशा जब सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है और हमें बार बार हर एक चीज पे टोका जाता है, आपको यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो हम लोग भी जो है एक रिस्ट्रिक्टेड सा फील करते हैं. लाइक एक अपने आप को फ्रीली फील नहीं करते, एक बंधा हुआ सा फील करते हैं कि कोई ना कोई है जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए रखता है और हमें कभी भी फ्रीडम फील नहीं होती, अपने आप को बंधा बंधा हुआ फील करते हैं. बेसिकली इस पोयम में ये बताया गया है. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. तो ये जो उसकी मदर है अमांडा की, वो उसे बोल रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अपने जो है अपने नेल्स मत चबाओ. होता है ना, नेल्स चबाते हैं जो, अपने नेल्स मत चबाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, होता है ना जब गर्ल्स ऐसे मतलब शोल्डर्स को बेंड करके बैठ जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि नहीं, हमेशा स्ट्रेट बैठो. उनकी मदर जो है हमेशा उनको नैग करती रहती है, उन्हें टोकती रहती है, जिस कई बार तो वो इरिटेट भी हो जाती हैं, बोल देते हैं ना क्या है, मैं तो ऐसे ही बैठूंगी. ठीक है, बार बार जो है उसकी अमांडा की जो मदर है वो उसे टोकती रहती है, नैक करती रहती है. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, वही है कि लेजीनेस से बैठे हुए होते हैं, तो वो उन्हें कहती है कि ऐसे स्लाउचिंग की तरह लेजीनेस होकर के मत बैठो, स्ट्रेट बैठो. अमांडा बार बार वो उसे जो है टोकती रहती है. और ये जो आपकी ब्रैकेट में दिया गया है ये अमांडा की थिंकिंग है कि जब उसकी मदर, अमांडा की मदर अमांडा को टोक रही होती है इन सब चीजों के लिए, तब अमांडा अपने मन में क्या सोच रही होती है. देयर इज अ लैंग्वेड एमरलैंड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो बेसिकली जब अमांडा की मदर अमांडा को टोक रही होती है, अमांडा प्रेजेंट तो होती है वहां पे, बट उसका माइंड जो होता है वो कहीं और होता है. तो वो क्या बोलती है, देयर इज अ लैंग्वेड एमरलैंड सी, मतलब उसको लगता है कि एमरलैंड सी का मतलब है सी का कलर बताया हुआ है, ग्रीनिश सा कलर है. क्लियर, वो कहती है कि जहां मैं जो है सी के वहां जाऊं जहां पे मेरे को रिलैक्स फील हो. लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स फील करना. क्लियर, अब वो कहती है कि मेरे को जो है सी के वहां ग्रीनिश कलर होता है, वहां पे आराम से मैं जाऊं, अकेली रहूं, कितना रिलैक्स फील होगा, क्योंकि वहां पे उसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा. सोल इनहैबिटेंट इज मी, सोल इनहैबिटेंट का मतलब अकेली मैं ही हूं वहां पर. अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मरमेड जैसे जल परियां होती हैं, वो अपना आराम से मजे से, कितना ब्लिसफुली का मतलब होता है कितना शांत से, कितने मजे से अपना जो है क्या करती रहती हैं, अपना पानी में जो भी है मजे करती रहती हैं ना. तो वो कहती है कि मैं भी जो है जल परी की तरह कहां पर सी के किनारे पर जा करके आराम से खुशी से मजे करूं, ड्रिफ्ट करूं आराम से. ये कब सोच रही है, जब अमांडा की मदर अमांडा को ये सब काम करने के लिए रोक रही है कि तुम अपने नेल्स को बाइट मत करो, ठीक है, तुम अपने शोल्डर्स को बेंड करके मत बैठो, तुम जो है लेजीनेस होकर के मत बैठो, स्ट्रेट बैठो. अमांडा की मदर अमांडा को बोल रही है, बट अमांडा खुद की बॉडी तो प्रेजेंट है बट उसका माइंड जो है वो
कहीं और घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो ये सब चीजें सुन सुन के बहुत तंग हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, इसलिए वो अपने आप को फ्रीली फील करना चाहती है, कहीं ऐसी जगह पर जाना चाहती है जहां उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो वापस से उसकी मदर उसे टोक रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा? ठीक है, तुम्हारा टाइडी रूम का मतलब होता है मैसी रूम, मतलब गंदा रूम, कि तुमने अपना जो तुम्हारा रूम गंदा हो रखा था तुमने उसे क्लीन किया अमांडा? अब वो कहते हैं अच्छा शायद मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज को क्लीन करने के लिए बोला था, क्या तुमने वो सब काम किया अमांडा? तो अब उसकी मदर उसे टोक रही है और अब देखो अमांडा क्या सोच रही है। I am an orphan. Orphan होते हैं जो अनाथ होते हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं होते उन्हें बोला जाता है orphan. और वो बच्चे कहाँ रहते हैं? ऑर्फनेज में रहते हैं, मीन्स अनाथालय में रहते हैं। तो अब ये सोच रही है I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. अब वो सोच रही है कि मैं जो है बिल्कुल ऑर्फन हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट्स, रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना फिरना, और गलियों में जो है ऐसे ही घूम फिर रही हूँ। I pattern soft dust with my hushed bare feet. अब वो कह रही है कि चुपचाप वो अपने आप ही नंगे पैर घूम रही है और क्या कर रही है, मिट्टी में पैरों से अपना कुछ ना कुछ पैटर्न बना रही है। ठीक है, यहाँ पर बेयर फिट क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी अभी उसकी मदर ने उसे बोला था शूज क्लीन करने के लिए। तो वो जो है अमांडा ये सब वर्क नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि भाई मेरा मन है नंगे पैर घूमने का तो मैं नंगे पैर घूमू, मीन्स मेरा जो मन है मैं वो काम करूं, मुझे कोई रोके टोके ना। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। तो अब वो सोच रही है कि साइलेंस कितनी गोल्डन होती है ना, कितनी अच्छी होती है, कितनी प्रेशियस होती है। ठीक है, और इन फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम इज आजादी भी कितनी अच्छी होती है, मीन्स उसको जो है आजाद रहना है, उसको ये सब बातें नहीं सुननी है, वो नहीं चाहती कि उसको कोई ना कोई बार बार रोकता टोकता रहे। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तब उसकी मदर उसे बोल रही है डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, कि तुम जो है चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद है तुम्हारे फेस पे जो है एक्ने का मतलब है यहाँ पर पिंपल से, कि तुम्हारे फेस पे जो है पिंपल हो गया था। तो अब क्या है, गर्ल्स को स्टार्टिंग से ही बोला जाता है कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें मतलब बिल्कुल परफेक्ट दिखना है, इसलिए टीनेज में क्या होता है गर्ल्स जो है मोस्टली मिरर की तरफ उनका ध्यान ज्यादा रहता है, वो मोस्टली मिरर देखती रहती है, अपना फेस जो है मिरर में देखती रहती है कि हाँ मैं परफेक्ट दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। इसमें उनकी कोई मिस्टेक नहीं है, बिकॉज उन्हें बचपन से ही ऐसा बनाया गया है तो कि तुम ये मत खाओ तुम्हारे पिंपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो है हमेशा परफेक्ट दिखना है, इसलिए टीनेज में गर्ल्स जो है मोस्टली अपना मिरर की तरफ ज्यादा देखती रहती है, अपना फेस देखती रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही ये सब चीजें बोल बोल के उनके माइंड में सेट की जाती है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो अब वो कहती क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ, तो क्या तुम मेरी तरफ ध्यान दोगी, मेरी तरफ देखोगी, ऐसा अमांडा की मदर उसे बोलती है। तो अमांडा देखो क्या सोच रही है, आई एम रुपेंजल, आई हैव नोट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पे रुपेंजल जो है, रुपेंजल बेसिकली एक फेयरी टेल है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है मूवी भी बनी हुई है टैंगल्ड, ठीक है, ये रुपेंजल यानी कि फेरी टेल की मूवी है जिसमें उसके जो है बाल बहुत बड़े होते हैं, लाइक उसकी हाइट से भी इतने बड़े बड़े गोल्डन हेयर्स होते हैं, ठीक है, और वो जो है ऊपर की तरफ रहती है टावर की तरफ, और जब किसी नीचे के पर्सन को ऊपर आना होता है तो अपने बालों को नीचे कर देती है, क्योंकि उसके बाल बिल्कुल रोप की तरह बहुत बड़े हैं और इतने मजबूत होते हैं कि कोई भी आदमी उसके बालों को एज अ रोप पकड़ के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे अमांडा जो है वो अपने आप को
रूपेंजल बोल रही है, वो कह रही है कि आई एम रूपेंजल, आई हैव नो केयर, कि मैं रूपेंजल हूं, मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, क्वाइट, ठीक है. अब वो सोच रही है कि टावर में जो लाइफ होती है वो कितनी काम होती है, कितनी क्वाइट होती है, कितनी शांत होती है और बिल्कुल रेयर होती है, अलग सी ही होती है. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. वो कहती ठीक है, बट मैं रूपेंजल की तरह अपने बालों को नीचे नहीं करूंगी. जैसे रूपेंजल जो है अपने बालों को नीचे कर देती है, जब नीचे से किसी पर्सन को ऊपर आना होता है तो वो अपने बालों को लोगों को एज अ रोप यूज करने देती है. वो कहती ठीक है, बट मैं अपने बालों को ऐसे नीचे नहीं करूंगी. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा. तब वो सल्किंग का मतलब होता है धीरे धीरे रोना. तो अब अमांडा जो है वो धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर देती है. तो उसकी मदर उसे बोल रही है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, तुम जो है रोना बंद करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम जो है हमेशा मूडी, मतलब मूडी हो, अपने मूड में रहती हो. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा. वो कह रही कि तुम रोओगी तो दूसरे लोग देखने वाले सोचेंगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, इसलिए तुम रो रही हो. तो सोचो अब उसका रोने का मन है, तो अब उसकी मदर उसे रोने भी नहीं दे रही है. वो कह रही है कि तुम चुप हो जाओ वरना कोई देखने वाला सोचेगा कि तो मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ. ऑब्वियसली उसकी मदर उसे परेशान ही कर रही है, उसे बार बार बात बात पे टोक रही है, ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली मदर को बुरा नहीं बताया गया है, ये बोला गया है कि जो हमारी सोशली सोसाइटी की ये जो सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उन्हें फॉलो कराया जाता है थ्रू मदर, ठीक है. सोसाइटी इन सब रूल्स को फॉलो कराती है तुम्हारी मदर के थ्रू, ठीक है. तुम्हारी मदर ही इन सब कामों को करने के लिए रोकती है क्योंकि तुम्हारी ये सब चीजें सोसाइटी करने को बोलती है, सब चीजें सोसाइटी की वजह से. तो यहाँ पर आपका जो है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हर बच्चे को फॉलो करना पड़ता है, ऐसा ही स्टोरी में या पोयम में बताया गया है, जो कि है अमांडा ऐसा फील करती है कि मुझे इन सब पाबंदियों में नहीं रहना, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे रोके टोके, वो चाहती है कि मैं आजाद रहूं, मेरा जो मन है करने का मैं वो करूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए. मेरा मन करेगा कि मैं नंगे पैर घूमूं तो मैं नंगे पैर घूमूंगी, मुझे नहीं चाहिए कि कोई आए मुझे और वो रोके टोके. तो बेसिकली ये रॉबिन क्लिन ने इस पोएम में आपको यही मैसेज दिया है कि कैसे सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कराया जाता है थ्रू मदर, क्योंकि मदर ही इन सब चीजों के लिए टोकती है ना. मदर भी ऐसा नहीं करना चाहती, बट सोसाइटी के सोशल कोड ऑफ कंडक्ट मदर के द्वारा ही फॉलो कराए जाते हैं. क्लियर? तो ये थी आपकी पोयम, आई होप आप सबको समझ में आई होगी. तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.